कच्चे के डाकू बेलगाम एसएचओ गुल मोहम्मद मेहतर समेत तीन पुलिस अहलकारों को ताहाल बाजियाब ना कराया जा सका। डाकुओं का थानेदार को छोड़ने के लिए 1 करोड़ तावान का मुतालबा। एसएसपी इरफान अली समूह का कहना है कि 10 साला बच्चे फरहान की बाजियाबी के लिए छापे मारने वाले अहलकारों को डाकुओं ने यगमाल बनाया। अब तक 4 कमसिन बच्चों समेत 35 से ज्यादा अफराद डाकुओं की कैद में हैं। और कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर भारतीय हाई कमीशन लंदन के सामने एहतजाज। सिख मुजाहिरीन कहते हैं भारतीय हुकूमत सिखों को खौफजदा करना चाहती है। सिखों को खालिस्तान की आज़ादी से किसी सूरत बाज नहीं रखा जा सकता। कच्चे के डाकू बेलगाम एसएचओ गुल मोहम्मद मेहतर समेत तीन पुलिस अहलकारों को ताहाल बाजियाब ना कराया जा सका। डाकुओं का थानेदार को छोड़ने के लिए 1 करोड़ तावान का मुतालबा। एसएसपी इरफान अली समूह का कहना है कि 10 साला बच्चे फरहान की बाजियाबी के लिए छापे मारने वाले अहलकारों को डाकुओं ने यगमाल बनाया। अब तक 4 कमसिन बच्चों समेत 35 से ज्यादा अफराद डाकुओं की कैद में हैं। और कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर भारतीय हाई कमीशन लंदन के सामने एहतजाज। सिख मुजाहिरीन कहते हैं भारतीय हुकूमत सिखों को खौफजदा करना चाहती है। सिखों को खालिस्तान की आज़ादी से किसी सूरत बाज नहीं रखा जा सकता।